नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विश्व आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यू इंडिया की पेश करेंगे तस्वीर। दावोस में 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन। दुनिया की 60 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन से पहले भारत के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ के मुताबिक अगले 2 साल में दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करेगा भारत। 2018 में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान, 2019 में 7.8% की जताई उम्मीद। राजपथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड ग्राउंड पर पहली बार लहराया आसियान देशों का झंडा। गणतंत्र दिवस में पहली बार शामिल होगी आकाशवाणी की झांकी। शिवसेना की एक बार फिर बीजेपी से अलग होने की धमकी। 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय। फिल्म पद्मावत को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। 25 जनवरी को फिल्म होगी रिलीज। और सबसे पहले दावोस में विश्व आर्थिक मंच से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही घंटे बाद दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक के पूर्ण सत्र में ऐतिहासिक भाषण देने वाले हैं। शुरुआती भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच के अगले 3 दिन तक चलने वाले सत्र का एजेंडा तय करेंगे, साथ ही न्यू इंडिया की तस्वीर भी पेश करेंगे। तेज बर्फबारी के बीच स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के लिए दुनिया भर के नेता और कारोबार जगत की हस्तियां जमा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख वक्ता के रूप में आज दोपहर 3:45 पर मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। विभाजित दुनिया में साझा भविष्य का सृजन विषय पर प्रधानमंत्री मोदी अपने शुरुआती भाषण से विश्व आर्थिक मंच के अगले 3 दिन तक चलने वाले सत्र का एजेंडा तय करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व नेताओं और दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के सामने नए भारत की तस्वीर पेश करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम दावोस पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया की टॉप बिजनेस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक में 40 वैश्विक और 20 भारतीय कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मतलब व्यापार है और भारत में वैश्विक व्यापार के लिए आकर्षक मौके उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के इस मंच में शामिल होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा 100 से ज़्यादा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री 25 सत्रों में प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विज़न 2022 की व्याख्या पेश करेंगे। दावोस से प्रांजल शर्मा, राज्यसभा TV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक से अलग स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सिट से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों की संभावनाओं की समीक्षा की गई है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं के बीच कर सूचना के स्वतः आदान प्रदान करने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। इस संबंध में स्विस संसद में एक विधेयक पास किया गया था, जिसके बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कर सूचना के आदान प्रदान करने के लिए डेटा का संग्रह करना शुरू कर दिया है। कर सूचना का पहला आदान प्रदान अगले साल से शुरू होना है।
वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा राज्यसभा टीवी के लिए दावोस से हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 20 साल के दौरान नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही 6 केंद्रीय मंत्रियों समेत 130 लोगों के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस बैठक से जुड़ी हर खबर वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा की नजर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आर्थिक सम्मेलन में इस बार दावोस में भारत ने ओपनिंग रिसेप्शन की मेजबानी की है और जो कई हज़ार डेलीगेट्स आए हैं उनको भारत का सबसे अच्छा चेहरा सामने पेश किया है। इसमें भारत के कई सारे लाजवाब व्यंजन पेश किए गए, लेकिन साथ साथ कुछ गंभीर बातें भी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने एक अलग सम्मेलन में, अलग मीटिंग में काफ़ी सारे बड़े निवेशकों से साथ बैठक की है और उनको एक नई दिशा के बारे में बताया है जो भारत ने ली है। ये दिशा नया भारत, जो उनकी एक नई सोच है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सबको न्योता दिया है। ये कहा है कि भारत जो है एक नई अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है बड़े बड़े निवेशकों के लिए। भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ सभी को एक अच्छी नई सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए विदेशी और देशी निवेशक दोनों उसके भागीदारी बन सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कई मंत्री भी आएंगे दावोस में और बाकी निवेशकों से मिलेंगे और यहाँ पर करीब 30 हेड्स ऑफ स्टेट यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आए हैं। उनके साथ भी कई लोगों के साथ मिलने की उनकी उम्मीद है। वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा राज्यसभा टीवी के लिए दावोस सम्मेलन से जुड़ी हर खबर हम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ विश्व आर्थिक मंच से जुड़ी तमाम सरगर्मियों और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझाने के लिए राज्यसभा टीवी के विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। आइए हम उनका रुख करते हैं। अखिलेश, दुनिया ने यह माना है कि भारत सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, भारत की एक बेहद मजबूत पहचान भी बनी है। आज जब अध्याय खुलेगा इस बैठक का, उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और दुनिया इस संबोधन को बहुत ध्यान से सुनने वाली है। कितना बड़ा महत्व है इस बात का? निश्चित तौर पे प्रीति, आप देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री भाषण देने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, उसके पहले वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपना सर्वे प्रस्तुत किया और उसमें चाइना से भी आगे हमारी इकोनॉमी को गतिमान बताया कि हम उससे भी आगे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। और इसका मतलब ये कि 2018 में हमारे लिए विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सर्वे के बाद एक व्यापक सहमति बनी पूरी दुनिया में, बनी हुई है लोगों के दिमाग में, बनी हुई है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ की निवेश की अपार संभावनाएं हैं और जहाँ जरूरत भी है, हर क्षेत्र में लोगों को निवेश कराने की जरूरत है। लोगों को ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेवा क्षेत्र हो या जिस तरह का भी क्षेत्र हो, सारे जगह पे हमें निवेश करने की जरूरत है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा मंच है जहाँ राजनीतिक नेता भी आते हैं और जहाँ बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बातें कहते हैं तो काफ़ी प्रभावित करते हैं लोगों को, और दुनिया में अभी तक लोग इस बात को अब चिन्हित कर रहे हैं लगातार कि भारत बदल रहा है। और इसी बदलते भारत की तस्वीर लेकर वे गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहाँ आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों से ज़्यादा के निवेश की संभावनाएँ होती हैं, उसके लिए लोग मन बना लेते हैं और उसके बाद फिर बायलेटरल में उन मामलों को सुलझाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी यह भी कर रहे हैं कि वहाँ जो महत्वपूर्ण जो देश हैं जो वहाँ पहुँचेंगे उनसे भी अलग अलग बात कर रहे हैं। जैसे कल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ बात की, आज स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ बात होगी, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बात होगी। और एक खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री शुरुआत कर रहे हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और इसका अंत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो समझ लीजिए कि सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वो सारे लोकतांत्रिक देशों के नेता करीब करीब आ रहे हैं। एंजेला मर्केल बोलेंगी, कनाडा के प्रधानमंत्री बोलेंगे, यूके के प्रधानमंत्री बोलेंगी। तो इन सारे में आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों का किस तरीके से योगदान हो सकता है दुनिया के आर्थिक विकास में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन रही है प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और कहीं ना कहीं विश्व आर्थिक मंच सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का मंच नहीं है, बल्कि यहाँ जो दुनिया की व्यवस्था और ग्लोबल इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा और चुनौतियों पर भी जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात सामने रखेंगे और इस पर भी सबकी नज़रें होंगी। और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पंचायत की बैठक की अब से कुछ देर बाद औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भारत के सधे लक्ष्य को लेकर शामिल हो रहे हैं। दावों
विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर दोपहर 3:30 बजे से। और एक और क्षेत्र में भारत का डंका दावोस में नजर आया। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 2018 क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्टल अवार्ड का ये 24वां संस्करण है और इस बार ये अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। उन्हें ये पुरस्कार भारत में बाल और महिला अधिकारों की हिमायत करने के लिए दिया गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा है कि वो एल्टन जॉन और केट ब्लैंचेट के साथ 24वां क्रिस्टल अवार्ड पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड समारोह के तहत दुनिया की हालत सुधारने में अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाने वाले असाधारण कलाकारों की उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है। इससे पहले अमिताभ बच्चन, मल्लिका साराभाई, एआर रहमान, शबाना आजमी, रविशंकर और अमजद अली खान को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। From them I have learned how courage can catalyze victimhood into heroism. How solidarity rather than charity enables the human will to overcome. How equality is not a concept but a truth that encompasses all living beings. And how the service of others is not a choice anymore for any of us. It is a duty that all of us must fulfill in the name of humankind. Namaskar and Jai Hind. Thank you. Reporting for Rajya Sabha TV, this is Pranjal Sharma from Davos. Over the next few days, you'll be getting updates from me about the presence of Prime Minister Narendra Modi at this global conference and also about how India is being featured amongst global investors. दूसरी तरफ विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन से पहले भारत के लिए अच्छी खबर है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस साल भारत की विकास दर 7.4% रहेगी, वहीं अगले साल विकास दर बढ़कर 7.8% हो जाएगी। IMF ने कल विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के दौरान दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में चीन 6.6 और 2019 में 6.4% से विकास करेगा। और वहीं इन सभी अच्छे संकेतों का असर शेयर बाजार पर भी नजर आ रहा है। शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज निफ्टी पहली बार 11,000 के पार पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ खुला और सेंसेक्स ने 36,000 के आंकड़े को पार कर लिया। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 11,023 तक पहुंचा, जबकि सेंसेक्स 200 अंकों की उछाल के बाद 36,017 अंकों पर कारोबार करता नजर आया। नए साल में शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। खासतौर से दिग्गज शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, टाटा स्टील और वेदांता के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। बैंकिंग, आईटी, मेटल और कैपिटल गुड्स के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और केंद्र सरकार के हालिया उपायों के चलते कुछ क्षेत्रों के लिए GST दर में कटौती से शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आसियान भारत व्यापार और निवेश की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में आसियान के सभी 10 देशों के व्यापार और वाणिज्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत आसियान व्यापार और निवेश संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस मौके पर सुरेश प्रभु ने भारत और आसियान देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए निवेश में बाधाओं को हटाने की मांग की। उन्होंने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए आसियान क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत और 10 सदस्यों वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच व्यापार 3 सालों में बढ़कर $70 अरब हो जाने की संभावना है। वी मस्ट कंटिन्यू टू मेक एंडेवर्स टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द रिव्यू ऑफ ITGA as it would address the problems faced on ground by businessmen and investors on both sides and would further deepen our economic cooperation. Our strategic partnership
has been to our mutual benefit, and together we have contributed to regional growth and stability. At this juncture, when we celebrate completion of 25 years of our cooperation, we look forward to continue working with ASEAN in regional and international fora. और आइए अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की. एनडीए की सबसे पुरानी साझेदार रही शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी से अलग होने की धमकी दोहराई है. शिवसेना ने कहा कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया. शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रस्ताव पेश किया था जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. ये पहली बार नहीं है शिवसेना ने ऐसी धमकी दी है. शिवसेना इससे पहले भी कई बार बीजेपी से अलग होने की चेतावनी देती रही है. शिवसेना के लोकसभा में 18 सांसद हैं और केंद्र में एनडीए की साझेदार है. बैठक में आदित्य ठाकरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाने पर भी मुहर लगी है. लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर की है. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी. इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगाई थी. इससे पहले लाभ के पद के मामले को चुनौती देने के लिए जो याचिका आम आदमी पार्टी ने दायर की थी उसे उन्होंने सोमवार को वापस ले लिया था क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके थे. इसलिए अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था. फिल्म पद्मावत की रिलीज के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. दोनों राज्यों ने फिल्म के रिलीज होने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने अपने 18 जनवरी के आदेश में किसी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया. इसके बाद ये फिल्म पूरे देश में 25 जनवरी को ही रिलीज होगी. 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान में फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी और दूसरे राज्यों को भी ऐसे निर्देश जारी करने से रोक दिया था. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज विधानसभा में राज्य के लिए 2018-19 का बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उन्हीं के पास है. उन्होंने कहा कि दिवाली तक कर घर में पहुंचा दी जाएगी, हर घर में बिजली पहुंचा दी जाएगी. रघुवर दास ने कहा कि 2018-19 में ग्रामीणों की आय को दुगना करना लक्ष्य है. महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर सरकार का फोकस रहेगा. वित्तीय साल 2018-19 के लिए राज्य सरकार ने 80,200 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य है. गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आज राजधानी भोपाल में राजभवन में एक समारोह में आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करों का भुगतान करे क्योंकि जरूरी राजस्व की कमी से सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों पर असर पड़ता है. उपराष्ट्रपति ने आज हैदराबाद के कॉलेज के कार्यक्रम में ये बात कही. वित्त और मार्केटिंग क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर चोरी से सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन अधिकारियों की ओर से करदाताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यम वर्ग देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि शासन में पारदर्शिता से जवाबदेही सुनिश्चित करने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने सरकार की ओर से जीएसटी समेत आर्थिक सुधारों का जिक्र किया और इससे देश के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई. उपराष्ट्रपति ने कैंसर की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र वाले बच्चों के लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य की जानी चाहिए. उपराष्ट्रपति ने बेहतर जीवन शैली के लिए योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के ग्रेजुएशन समारोह में शिरकत की. उन्होंने कहा कि भारत में कैंसर सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और इससे हर साल देश में 5 लाख लोगों की जान जा रही है. उन्होंने कैंसर से निपटने के लिए नई खोजों और प्राचीन ज्ञान के इस्तेमाल पर जोर दिया. There are some indigenous and cost-effective solutions that may be useful to make cancer treatment more affordable.
I urge all the medical researchers across the country to focus on research and come up with path-breaking advances in the prevention and treatment of cancer. उपराष्ट्रपति ने सरकार, मीडिया और चिकित्सकों से कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए स्क्रीनिंग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। So the government should make it mandatory for all the children after a particular age and also adults of the country to go for a screening of this dreaded disease. That will really help. Early detection will really help. जीवन शैली में आए बदलाव के चलते बीमारियां बढ़ी हैं। उन्होंने बेहतर जीवन शैली के लिए योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, मुंबई। दिल्ली के राजपथ में मंगलवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की परेड, रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत, सांस्कृतिक झलकियों के साथ ही राज्यों और सरकारी मंत्रालयों की झांकियां भी शामिल हुई। ये परेड राजपथ से लाल किले तक के रूट से गुजरी। आगे बढ़ती हुई टीम नेतृत्व महिला आरक्षक राजपाल कौर के पास। और गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन के लिए सजी अलग अलग राज्यों की झांकियों ने दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड पर भारत के गौरवशाली इतिहास की एक बानगी दिखाई। मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और गुजरात के साबरमती आश्रम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर पहली बार आकाशवाणी की झांकी शामिल होगी। खास रिपोर्ट। ये झांकी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसमें हरियाली की छटा बिखेरती हुई मिश्रित कृषि प्रणाली मॉडल को दर्शाया गया है। इस झांकी में मिश्रित या समावेशी खेती के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका बताया गया है। ICAR गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शिरकत कर रहा है। झांकी में शामिल कलाकार गणतंत्र दिवस पर अपने प्रदर्शन को लेकर उत्सुक दिखे। कलाकारों के मुताबिक ये ऐतिहासिक पल है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इतने बड़े शो का हिस्सा बने हैं और हमें असम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, हमारे फोक डांस को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। हम सब बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और वैसे बेसिकली मतलब इसलिए अच्छा लग रहा है कि असम का जो ये ट्रेडिशन है, हम लोगों का बिहू ये मेन ट्रेडिशन है, इसको चांस मिल रहा है कि परफॉर्म करने के लिए 26 जनवरी में इतना मतलब ऑडियंस होगा उन सबके सामने। रियली हैप्पी। गुजरात की झांकी में साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को बखूबी दिखाया गया है। आश्रम के अंदर स्थित हृदय कुंज, जो कई वर्षों तक कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का निवास स्थान रहा है, इसके साथ साथ गांधी जी के क्रियाकलापों का भी चित्रण किया गया है। दरअसल इसी आश्रम से 1930 में विश्व प्रसिद्ध डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस बार गणतंत्र दिवस पर 14 राज्यों की 23 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। झांकियों में यूनेस्को विश्व धरोहर और प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल सांची के अलावा कर्नाटक में वन्य जीवों की घटती हुई संख्या पर भी चिंता जताई गई है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। ओम प्रकाश रावत ने आज देश के 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। रावत का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। इससे पहले उन्हें अगस्त 2015 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। 2 दिसंबर 1953 को जन्मे ओम प्रकाश रावत मध्य प्रदेश के पूर्व IAS कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। और राज्यसभा टीवी के संवाददाता ने अब से कुछ देर पहले उनसे खास बात की। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं पदभार ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद सर। पहला सवाल पूछना, 2018 एक अहम साल है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जो कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव, ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिच ट्रेडिशन रहा है फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ कमीशन के सहयोग से, ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस होते रहें। और दूसरे क्या है, 2019 में पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं, तो उसके लिए भी तैयारी एक साल पहले से शुरू होती है, तो उन तैयारियों को भी बड़े मजबूती से, एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए।
और बात खास शख्सियत की, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश के महान और चमत्कारिक नेता सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, ये नारे आज भी देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। देश पर मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे से देशवासियों के दिलों में आजादी की मशाल रोशन की। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक कटक के समृद्ध परिवार से था। देशभक्ति की भावना का उदाहरण उनके शुरुआती दिनों में ही मिलता है, जब उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति प्रकट की। बड़े होकर वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गए और पिता से वादा किया कि वो ICS में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, लेकिन बाद में मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान हादसे का शिकार हो गया। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।